स्वागत है फ्रेंड आप सभी का जी स्टडी में। और आज के क्वेश्चन जनरल नॉलेज से है जो अक्सर रेलवे और एसएससी एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड क्वेश्चन रिलीज करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नई यूजर हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर वन, भारतीय रेलवे नेटवर्क पर चलने वाली निम्न में से कौन सी एक्सप्रेस ट्रेन कुछ समय और दूरी के संदर्भ में सबसे लंबी अवधि की है। तो फ्रेंड क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय रेलवे नेटवर्क पर चलने वाली इनमें से कौन सी एक्सप्रेस ट्रेन कुछ समय और दूरी के संदर्भ में सबसे लंबी अवधि की है। तो फ्रेंड जो कि भारतीय रेलवे नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क में से एक है, इसलिए विवेक एक्सप्रेस जो कि समय और दूरी के संदर्भ में सबसे लंबी अवधि की है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। फ्रेंड क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन सा रेलवे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। तो फ्रेंड पूर्वोत्तर रेलवे जो कि विश्व विरासत स्थल द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग भारत के चार मेट्रो शहर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ता है। तो फ्रेंड क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग भारत के चार मेट्रो शहर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ता है। तो फ्रेंड स्वर्ग चतुर्भुज GQ जो कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को चार मेट्रो शहरों से जोड़ता है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा देश विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का सबसे बड़ा मूल देश है। फ्रेंड क्वेश्चन पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा देश विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का सबसे बड़ा मूल देश है। तो फ्रेंड भारत जो कि प्रवासियों का सबसे बड़ा मूल देश है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 5 वर्ष की सज़ा सुनाई गई। तो फ्रेंड जो कि मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 5 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी, वो इसलिए सुनाई गई थी क्योंकि उन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने राजकोष चुराया है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, मानव तस्करी रोकने के लिए भारत और किस देश के बीच हुए द्विपक्षीय सहयोग पर समझौता ज्ञापन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। तो फ्रेंड म्यांमार ने मानव तस्करी रोकने के लिए भारत के साथ समझौता किया था, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया। फ्रेंड जो कि काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया 1966 में किया गया, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, फ्लिपकार्ट के फाउंडर विनी बंसल ने इंश्योरेंस कंपनी एको में कितने करोड़ डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है। तो फ्रेंड जो कि विनी बंसल ने 2 करोड़ डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है, यानी कि 143 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, GST कब लागू किया गया। फ्रेंड जो कि GST लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन, भारत की पहली रेल ने मुंबई और ठाणे के मध्य कितनी दूरी तय की। तो फ्रेंड जो कि मुंबई और ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर की दूरी तय की है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड ये 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो SSC और रेलवे में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चनों को नोट करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।